सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th का थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इससे प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जितना हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इसके नोट्स भी आपको पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से डिराइव करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन थ्री होती हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इवन 9th क्लास में हमने इसकी डेरिवेशन भी करी होती है, किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को आप डिराइव करते हैं, 9th 10th में ये हमने पढ़ा होता है। बट डिफरेंस ये है कि जब 9th और 10th में हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं या इसकी डेरिवेशन करते हैं तो उस टाइम पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और जब हम 11th में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो हम इसको डिराइव करते हैं बाय द कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड थोड़ा टफ होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कंपैरिजन में, और इसमें चेंज ये होता है कि इसमें जब हम इक्वेशन को डिराइव करते हैं तो हम डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन यूज करते हैं, जो कि हमारा मैथ्स में टॉपिक है डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इफ अ बॉडी स्टार्ट विद वेलोसिटी वी एंड आफ्टर टाइम टी, अगर हम किसी भी बॉडी की बात करते हैं तो अगर स्टार्ट करती है तो वो यू से स्टार्ट करती है जिसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और एक फाइनल वेलोसिटी होता है जिसपे एक डेस्टिनेशन जिसपे ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है उसे आप वी से डिनोट करते हैं। इफ अ बॉडी स्टार्ट विद वेलोसिटी यू एंड आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू वी। If the uniform acceleration is a and the distance traveled in the time t in second s, then the equation of motion या जो relation हमें मिलता है वो ये तीन मिलते हैं। ये जो तीन relation है इनके symbols आपको ऊपर बता रखे हैं। u की बात करें तो initial velocity, v final velocity, t time taken हो गया, a acceleration हो गया, और s को distance या displacement से आप show करते हैं। तो ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है डेरिवेशन बाय द कैलकुलस मेथड, कि इन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किस तरीके से डिराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन हेल्प करती हैं साइंटिस्ट टू एक्सेस द मोशन ऑफ रॉकेट या कोई भी चीज़ जिसकी मूवमेंट होती है, मोशन होता है, सैटेलाइट्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, या कोई भी स्पेस क्राफ्ट हो गया, या फिर हम खुद भी अपना देखें तो हमारी भी मोशन होता है तो उसमें भी हमारी फिजिक्स लगती है, फ्रिक्शन और ये सारे कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, टू प्रिडिक्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वन नीड्स टू मास्टर द इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो इक्वेशंस हैं या जो मोशन है वो किस टाइप से हो रहा है, 1D है, 2D है, या किस टाइप का मोशन है, उसको समझने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस का पता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब वन बाय वन हम इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। फर्स्ट है, कंसिडर अ बॉडी विच इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एट टाइम t0। कोई भी एक बॉडी आपने ली जिसकी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन a है, टाइम 0 है, अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u हो गया एंड फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा टाइम t सेकेंड्स में। टाइम जब भी आप लेंगे तो आप उसको हमेशा सेकेंड्स में ही कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन जो है इस बॉडी की, एक्सेलरेशन जब मैंने आपको ग्राफ पर पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम टेकन। अब इसमें हमारी लिमिट लगेगी, लिमिट डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। जब हम लिमिट किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं तो इट मींस जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही छोटे से भी छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, अभी मैंने आपको बताया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, तो हमने डेल्टा लिया था, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो dv अपॉन में dt हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपने देखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके dv इधर ले गए, adt लिखा, जो ये जो आपका रिलेशन आया इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट्स लगाते हैं v और u, t और 0, देन लिमिट्स लगा के जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास v माइनस में u इज इक्वल टू ए टी माइनस में 0। देखिए v है यहाँ पे, v और u इनिशियल और फाइनल 0 से t सेकेंड्स पे, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा और इस इक्वेशन को निकाला, v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस में ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब
सेम आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए चीजें लेंगे, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम टेकन, तो हम इसको डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसमें जो चेंज आता है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। मैथमेटिकली अगर इसे रिप्रेजेंट करें तो v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन में डी टी होता है। अब इससे हमारा ये इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस में ए टी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो इससे आपने v की वैल्यू नीचे इसमें पुट कर दी। डी एस में जब आपने यहाँ पे v डी टी की जगह पे v की वैल्यू पुट करी तो आपके पास रिलेशन कुछ ऐसा आएगा u प्लस में ए टी। इसमें टाइम जीरो है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी वो भी जीरो ही रहेगी। अब इसमें जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को तो इसे भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसमें हमने दो चीज़ें ली, जीरो टू एस एंड जीरो टू टी, दोनों को लिखा आपने और इस तरीके से आपने इंटीग्रेट किया। यहाँ पे जो लिमिट्स होती हैं एस जीरो टी जीरो टी जीरो, ये आप जब मैथ्स में करेंगे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, बट ये कैलकुलस मेथड है तो इसमें आपको ये लगानी आनी चाहिए। अब देखिए इसको कैसे लेते हैं, ये s और 0 है तो आपने यहाँ पे s माइनस 0 कर दिया। टाइम यहाँ से t और 0, तो u आपने बाहर लिया, t और माइनस में 0 लिया। देन a2, क्योंकि हम जब लिमिट्स लगाते हैं तो हम किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर को लेते हैं या किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं, पर्टिकुलर न्यूमेरिकल या एलजेब्रिक नंबर को नहीं लेते हैं, तो a अपॉन में 2 आपने बाहर लिख दिया, टी स्क्वायर माइनस में जीरो। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है, अब वो प्लस माइनस करके इंटीग्रेशन से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे हमने दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन करी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सेम ऐसी थर्ड होती है, वी विल इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल डी एस। अब इसमें हम क्या लेंगे, डी एस टू द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे आपने लिया ए डी वी अपॉन में डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, डेल्टा की जगह पे आपने क्या लिया, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डी पुट कर देंगे। इसके बाद में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी तरीके से सेम जैसे अभी पहले वाले इक्वेशन में स्टेप करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आपके पास ये एक रिलेशन आ जाता है ए डॉट डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। अब इसमें जो इनिशियल वैल्यू है, एक डिस्प्लेसमेंट की बात होगी और वेलोसिटी की बात होगी। इनिशियल वैल्यू की बात करें तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, जीरो और एस लेंगे जिसके लिमिट्स, और फाइनल वैल्यू की बात करेंगे तो उसे हम वेलोसिटी बोलेंगे जिसमें यू एंड वी लेंगे। दोनों में आपने लिमिट्स अप्लाई करी, वैसे ही इसको सॉल्व किया, एस जीरो वी यू यहाँ पे इसको लिखा और इसको सॉल्व करके एक रिलेशन आता है आपके पास, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जब हमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज की टर्म्स में वैल्यूज दे रखी हो हम उसे ऐसे इस तरीके से डिराइव करेंगे कैलकुलस मेथड से और न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। इन केस अगर आपको इस तरीके से इक्वेशन ना दे रखी हो और ग्रेविटी को ऑब्जर्व करते हुए या फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप ग्रेविटी लेते हैं उस टाइम पे अगर आपको सॉल्वेशन आ जाए तो आप किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट फ्रीली, फ्रीली मीन्स कि अगर कोई चीज़ फ्री फॉल होती है तो इसका मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ग्रेविटी उसको अपनी साइड नीचे खींचती है। जब ग्रेविटी किसी चीज़ को नीचे खींचेगी तो यू इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी अंडर ग्रेविटी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ए हट के हर जगह क्या लग जाएगा, जी लग जाएगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू टी प्लस जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2gh। अब देखिए ये जो इक्वेशन थी हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी, बट इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल में कभी भी डिस्टेंस नहीं आता तो आप क्या लेंगे, इसमें हाइट लेंगे, ठीक है। और अगर ये नोट में लिख लीजिएगा, अगर आपके पास g पॉजिटिव ना हो के नेगेटिव दे रखा है, मीन्स कि अपवर डायरेक्शन में, हमें पता है नीचे की साइड कोई भी ऑब्जेक्ट चीज़ आती है तो ग्रेविटी नीचे की साइड खींचती है तो वो चीज़ नीचे आ रही है, बट अगर हम किसी चीज़ को ऊपर थ्रो करते हैं तो मीन्स हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं, और जब हम किसी भी काम को ग्रेविटी के अगेंस्ट मीन्स ऊपर की साइड किसी चीज़ को फेंकते हैं तो जी क्या लेंगे आप, माइनस लेंगे। तो ये तीनों इक्वेशंस में जी आपका माइनस हो जाएगा। इसके बाद में ये दोनों पे, इन दोनों कंसेप्ट पे आपका न्यूमेरिकल बहुत बार आता है। टाइम टेकन, अगर मैक्सिमम हाइट होगी तब क्या होगा, तो टी ए इज इक्वल टू यू अपॉन में जी, यू इनिशियल हो गया, जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट लेते हैं या जो आपने ग्रेविटी ली है वो, इसको अंडर रूट में लेंगे। मैक्सिमम हाइट कब, जब बॉडी से रीच करेंगे। फर्स्ट केस में टाइम टेकन था, सेकंड में बॉडी की उसकी डेस्टिनेशन हो गई है, तो एच मैक्स आप लेते हैं यू स्क्वायर अपॉन में
टू जी। तो ये दोनों फॉर्मूलेज को मार्क कर लीजिएगा, ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट इसका बचा है, एक नोट में लिख लीजिए आप इसको, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम पॉइंट। अगर कोई भी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है और दूसरे ही ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली सेम डायरेक्शन की साइड ले जाया जा रहा है, हॉरिजॉन्टली का मतलब है इस तरीके से, तो वो दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे ग्राउंड पे आएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। आई होप आपको ये हर चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी वे में इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।